ये महानगर मुंबई है। इंसानों के इस रेले में कौन कहां किस नियत से जा रहा है अनुमान ही लगाया जा सकता है। पर हाँ, इस शहर में इंसान और उसकी नियत और प्लानिंग दो ही सूरतों में सामने आती है, या तो जब कोई सफलता की बुलंदी छू जाता है या जब कोई अपराध की कालिक से अखबार को रंग देता है, टेलीविजन पे ब्रेकिंग न्यूज का बवंडर छोड़ देता है। पर तब तक इस महानगर मुंबई में कौन कहां क्यों जा रहा है केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। जिंदगी में प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है, और अगर हम सही प्लानिंग करने में कामयाब हो जाते हैं तो मनचाही जिंदगी जी सकते हैं। जरूरी यह है कि हम अपनी प्लानिंग को कामयाब करने के लिए किस हद तक जाते हैं। सुषमा चलो खाना खा लो, फिर दवाइयां भी खानी है। लो। मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे, खाना तो पड़ेगा ही ना, दवाइयां भी खानी है, खा लो। आदमी लोग का इंतजाम हो गया। देख मैंने धूल देख लिया है, सब खातिर लायक है ना, कहाँ मिलने का पता है। हाँ तो पहुंचो, पोल पे पहुंचो, मैं निकल रहा हूं। खा लो। ये आप कहाँ जा रहे हो? मैं आता हूँ जल्दी, दवाइयां भी खा लेना 10 मिनट के बाद। हाँ स्टेशन चलेगा? चलना यार। नहीं जाना भाई। अरे भाई बिठाएगा नहीं तो कमाएगा कैसा? भाई मेरा ऑटो है, मेरी मर्जी, नहीं जाना। हाँ भाई बोलो, कहाँ पहुँचना है? बाड़ा की चौल पहुँचता हूँ। ओके अभी देखना कैसे मारना। बोला था ना तेरे को, अरे मैं आया एक मिनट। हेलो हाँ दादा बोलो। अरे नहीं दादा आपकी बार कोई गड़बड़ नहीं होगा, आई शपथ दादा। ओके ओके भाई, दादा का फोन आया, चल आते हम लोग। हेलो, ठीक है मिलते हैं सर। दादा हाँ, ये आपके हाथ से ब्लड निकल रहा है। साहब मैं 12:32 की विरार लोकल से उतरा, थोड़ी बहुत भीड़ थी, मैं 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पर उतर कर मैं बाहर निकला। बाहर रोड पर गया तो कुछ लोगों ने कहा देखो खून बह रहा है साहब, तब जाके मेरा ध्यान गया। किसी को देखा आपने? नहीं साहब किसी को नहीं देखा, कब हुआ किसने किया कुछ पता ही नहीं चला। कोई सामान चोरी हुआ है? पर्स मोबाइल घड़ी चेन? नहीं नहीं साहब सब कुछ है, मोबाइल सब कुछ है। किसी के साथ दुश्मनी है तुम्हारी? नहीं साहब। ठीक है जाओ सर, एनजी कंप्लेंट लिख लिया। ओके सर जाइए। धन्यवाद सर। कमाल है, दिन दहाड़े किसी ने चाकू मार दिया और पता भी नहीं चला। कुछ चोरी भी तो नहीं हुआ है, शायद इस हमले की वजह कुछ और ही है। एनीवेज गोरेगांव स्टेशन के बाहर जो रास्ता है वहां अगर कोई सीसीटीवी मिलता है तो उसका फुटेज चेक करो। सर वो तो कहां चला जाऊं, सड़क पे जाऊं भीख मांगूं, ये सब मेरा किसको दोगी? तुझे तो ना मैं एक ठेला नहीं दूंगी, समझा ना? जितने उड़ाने थे बिजनेस के चक्कर में बहुत उड़ा लिए। मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ? अरे इसी हद से तो मांग रहा हूँ बेटा हूँ, पापा की पेंशन सेविंग्स कहाँ चिता पे लेके जाओगी? अरे हाँ हाँ छाती पे लेकर जाऊंगी, लेकिन ना तुझे एक ठेला नहीं देने वाली हूँ। तू निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। गलती का इनाम नहीं मिलता रे आदमी बदल, ये काम होना बहुत जरूरी है। मिलने के ठिकाने पे पहुंच रात को। Hmm.
लगता है अम्मा जी सो रही हैं। सामान ले ले, हरिओम ईश्वर है ना, वैसे जल्दी जाना। जी जान। वो दिलीप कहाँ रह गया? अरे अर्थी का सामान लेने भेजा था ना तुझे, जल्दी आ। ओए, इतनी जल्दी क्यों मची तुझे? क्या कर रहे हो जिया जी, लाश यहाँ रख के कीर्तन करना है आपने? अरे थोड़ी सी तो शर्म कर ले, क्या बोल रहे तू? मात है हमारी। मालूम है किसकी माँ थी? शमशान का काम जल्दी निपटाओ जीजा जी, उसके बाद वकील को बुलाओ। वसीयत में पता नहीं क्या लिखी गई है, बंटवारा भी तो करना है ना। आपकी मदर ज्योति राणा, उन्होंने अपना ये घर जो है बैंक में जो भी नकदी है वो अपनी बेटी उषा के नाम किया है। ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग के नाम भी कुछ करके ही गए होंगे। पुश्तैनी जेवर जो है वो दो हिस्सों में बांट कर गई है, आधे उषा के नाम और आधे आपके नाम। लेकिन जेवर है कहाँ, अलमारी में तो है नहीं? जेवर बैंक के लॉकर में, और ये उसका अथॉरिटी लेटर। और चाबी? ये चाबी। जी जी आओ आओ, चलो बॉय। कुलदीप, हाँ? मेरा एक जरूरी फोन आ गया ऑफिस से, हाँ? तू अंदर जा, मैं अटेंड करके आता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ जल्दी आइए। हाँ मैं आ रहा हूँ। मैं कह रहा गाड़ी इधर ही लगा लीजिए। सर जी क्या बताऊँ, सारे गहने लेके फरार हो गया वो। ये कैसे पॉसिबल है, तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हारे साथ था। हाँ सर साथ में ही था, पर लॉयर से मिलने के बाद हम दोनों साथ ही बैंक गए थे। वहाँ मैं गड्डी पार्क ही कर रहा था कि मेरा एक जरूरी फोन आ गया ऑफिस से। मैंने कुलवीर से कहा तू आगे बढ़ मैं आता हूँ। मैं बोल रहा हूँ सर जी कि वो आदमी एक नंबर का कमीना है, उसने कहीं गहने छुपा दिए और खुद कहीं निकल गया। पर ये सब कुछ उसने 10 मिनट में किया। सर जी वो आदमी कुछ भी कर सकता है, और मुझे तो लगता है कि माता जी को भी। ठीक है अनुज, इनसे कुलबीर राणा के डिटेल्स ले लो, फोटोग्राफ्स वगैरह जो कुछ मिले वो, और बैंक से सीसीटीवी फुटेज मंगा लेना। जी सर। मां से पैसों के लिए दुश्मनों की तरह लड़ने वाला कुलबीर जेवर हाथ लगते ही फरार हो गया। वसीयत में जिसे न फ्लैट मिला न नगद, उस लालच के मारे बेटे के लिए 70 लाख के गहने लेकर फरार हो जाना संभव लगता है। उधर एक बेटे ने एक मां खोई, इधर एक मां बेटे की तलाश में पटना बिहार से इस ईंट गारे के जंगल में आ पहुंची। नहीं तो बहुत ही बदबू मार रहा है, ये कहाँ रह रहे हैं भैया? जी बहन जी, हाँ ये 32/205 कहाँ है? ये है जी, यहाँ तो ताला लगा है, हमारा बेटा पवन रहता है यहाँ। हाँ यहाँ तो हफ्ते भर से ताला लगा है, पता नहीं आपका बेटा पवन कहाँ गया, कुछ बताकर नहीं गया। माँ, अरे माँ ये सब छोड़ो, ये हम कर लेंगे, हमने अपना नंबर इसमें सेव कर दिया है,
आप जब मन करे हमसे बात कर लेना। ठीक है माँ, नहीं चीनी। हाँ ला। अरे इस सबसे कुछ नहीं होने वाला है, चुपचाप खाना पड़ेगा। चलो सघन होता है, मुंह खोलो। मुंबई में नौकरी मिलते ही तुमको और अन्नी दोनों को उधर ही बुला लेंगे। हम क्या कह रहे हैं विधवा, दो चार महीना और रुक जाते, यहाँ पटना में ही नौकरी ढूंढ लेते। दो साल से MBA करके बैठे हैं, और रुके तो सुसाइड कमिट कर लेंगे। पगला गए हो का? और वैसे भी माँ मुंबई बहुत बड़ा शहर है, यूं समझ लो कि बुलावा आ गया। ठीक है बिटुआ, खूब मेहनत करो और खूब कामयाबी पाओ। भारी चिंता में पड़ गए। जैसा सोच के आए थे वैसा कुछ नहीं हुआ अब तक, कुत्ता वाला जिंदगी है इधर। क्या हुआ? जहाँ रह रहे हैं समझ लो कबूतर खाना है। कैसे रह रहे हैं ये हम ही जानते हैं, एक एक दिन नरक हो गया है अम्मा। हम तो कहते हैं कि सब छोड़ छाड़ के वापस आ जाओ घर, जभी तो यहाँ आए हैं। बहन जी मेरी मानो ना तो पुलिस में जल्दी रिपोर्ट करवा दो। अभी भी सोच पा रहा है ना, एक बार और मिला के दे। ये हमारे पवन की फोटो। तो आखिरी फोन 2 हफ्ते पहले आया था? जी सर। हाँ काम मिला है। अरे वाह बेटवा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। रहने दो। क्या हुआ? मन तो करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पटना लौट आए। अरे पर बात कहाँ है बिटवा? अम्मा फोन रखो, किसी का फोन आ रहा है, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अरे पर बिटवा सुनो तो। कोई SMS या मैसेज? नहीं, पहले तो एक हफ्ता फोन उठाया ही नहीं, पिछले एक हफ्ते से फोन बंद आ रहा है। हाँ बस एक रोज मैसेज आया था उसका। क्या मैसेज? बेटा मम्मी करता हूँ थोड़ी देर में। यू का मैसेज ना है? उसका नहीं है मतलब? मतलब वो मम्मी नहीं माँ बोलता था हमें, और जब मैसेज कर सकता है तो फोन का है नहीं उठाया, और बाद में फोन किया भी तो नहीं उसने। प्रशांत सर, इस पवन के कॉल रिकॉर्ड निकलो। हमका तो पहले से शक था कि भैया कौनू प्रॉब्लम में है। पवन जहाँ काम करता है वहाँ का फोन नंबर एड्रेस ये डिटेल्स तो होंगे आपके पास? कभी बताया नहीं, सिता ही बता रहा कि काम मिल गया है। सर जी ये देखो कुलबीर राणा बैंक से निकल कर आ रहा है, और सर इसके हाथ में ये बैग भी है। सर मैं बोल रहा हूँ ना, पूरे 70 लाख के गहने लेके भाग गया है वो। सर एक कांस्टेबल उसके घर पे भेजा था, वो घर पे नहीं है। अपनी सासू माँ ज्योति राणा, उसकी वसीयत है आपके पास? सर गड्डी में लेकर आइए। जी अभी लेकर आए। इसके हिसाब से तो ज्वेलरी में आधा हिस्सा कुलबीर का है, बाकी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी मतलब आपके बीवी के नाम की है। जी हाँ सर, इसी की तो खुंदक निकाली है उसने, पूरे 70 लाख के गहने लेके फरार हो गया वो। आपकी सासू माँ बीमार रहती थी? हाँ सर, BP और डायबिटीज की मरीज थी, और मरने से एक दिन पहले झगड़ा हुआ था उनका कुलबीर से पैसों को लेकर। पर आपने बताया था कि कुलबीर अंतिम संस्कार करने की बहुत जल्दी में। हाँ सर जी। अरे अर्थी का सामान लेने भेजा था ना तुझे, जल्दी आ। वो और उसका दोस्त दिलीप दोनों को बहुत जल्दी थी। ठीक है आप जाइए, अगर कुछ पता चलता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है सर। अनुज कुलबीर का अपने माँ के साथ पैसों को लेकर झगड़ा हो जाता है, फिर माँ मर जाती है, जल्दी जल्दी में उसका अंतिम संस्कार होता है, और अब ये कुलबीर ज्वेलरी लेकर घर से गायब है। सर कहीं इस कुलबीर ने ही अपनी माँ को? हो सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें यह पता करना है कि कुलबीर को पैसों की ऐसी क्या जरूरत थी, क्या उस पर कर्जे थे या उसके शौक ऐसे थे। दूसरी बात, इसके पास ज्वेलरी है तो बेचेगा जरूर, आसपास के एरिया में जितने भी ज्वेलर्स हैं सबको इन्फॉर्म कर दो, खासकर जो चोरी के गहने खरीदते हैं उन्हें। सर
कब से इधर है लड़का? 8 महीना हो गया, शायद बाहर गांव से आया था। अच्छा लड़का था, किसी से लेन देन कुछ नहीं, नौकरी नहीं था, फिर नौकरी लगा, पर हर टाइम से जाना आना। कोई दोस्त यार? नहीं साहब, कोई दोस्त यार नहीं, यहाँ पर तो कोई आता जाता नहीं था। सर, पवन मिश्रा का कॉल रिकॉर्ड से। सर, इसमें एक नंबर है जिस पर पिछले 6 महीने से पवन ने कई बार फोन किया है। पता चला किसका? बबलू यादव का। एड्रेस बोरीवली ईस्ट का है। सुनो, ये बबलू कहाँ रहते हैं? ये बबलू, हाँ साहब, पवन का है। पवन, पवन भाई, पवन भाई को मैं ऑटो में लगा था 6 महीना पहले। अच्छा आदमी है, पर तभी टेंशन में था वो। कैसे टेंशन? काम नहीं था ना उसके पास, वो पटना बिहार से मुंबई इसीलिए तो आया था, काम मांगने को, करने को। फिर अपना एक जानने वाला है, मैं उसके पास लेके गया उसको काम के लिए। ये प्लास्टिक के डिब्बे बनते हैं यहाँ पर, 12 टाइप के डिब्बे हैं, डोर टू डोर जाके सेल्स करना है, बेसिकली मार्केटिंग का काम है। कर सकोगे? हाँ, मैंने MBA किया है। ये BA, MA, MBA इधर कुछ मतलब का नहीं है, यहाँ ये डिब्बा बेचना पड़ता है। 1 दिन की ट्रेनिंग होगी और सीधे काम शुरू। लगन से काम करोगे तो 20-25 हजार रुपए महीने का कमा लोगे। कर सकोगे? वरना आदमी लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर। करेगा ना, मैं सोच क्या रहा है। अरे हाँ जगन भाई, करेगा। हाँ हाँ जगन भाई। पवन भाई को मैं फिर मिला 1-2 बार और, तभी काम अच्छा चल रहा था उसका। फोन पे बातचीत होता था मेरा उससे लगातार, पर यही पिछले 15 दिन से नहीं आया वो काम पर। तुम्हें कैसे मालूम? मेरे को जगन भाई का फोन आया ना, उन्होंने बोला मेरे को कि वो तुम्हारे लड़का नहीं आ रहा, उसको बोलो आने को। फिर आगे? फिर मैंने सब, मैंने फोन ट्राई किया पवन भाई को, बट उधर से स्विच ऑफ बोल रहा था वो। कुलबीर राणा जी, मैं उनकी वाइफ। कहाँ है वो? बुलाई उन्हें। घर पर नहीं है वो। घर की तलाशी लो। अरे आप लोग अंदर कहाँ घुसे आ रहे हैं? अरे बात क्या है, आप कुछ बताएंगे? घर की तलाशी लो, देखो लेवर मिलते हैं क्या। अरे कहाँ अंदर चले जा रहे हैं? अरे छोड़िए ना, क्या हो क्या रहा है? आपका पति आपके सास के जेवर लेके बैंक से भाग गया है। सर, ये दुकान के पेपर्स मिले। सर, कुलबीर भैया बहुत परेशान थे सर, ये दुकान का सारा पैसा बैलेंस है ना। कितना? तकरीबन 20 लाख सर। आखिरी बार कब बात हुई थी उससे? सर, वो उनकी मम्मी के अंतिम संस्कार के लिए गए थे ना, तभी। फिर उन्होंने कहा मुझे जाना है, वकील से मिलना है, और वो उनके जीजाजी वो भी साथ गए थे, लास्ट वही बात हुई थी। फिर मैंने उनका फ़ोन ट्राई किया कई बार, लेकिन 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 सर फ़ोन बंद आया। हमने सुना है कि उनकी माँ के अंतिम संस्कार के दिन तुम बहुत जल्दी में थे। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा ही किया, कोई घाई नहीं थी सर। लेकिन पैसों की घाई थी सर। वो क्या है ना कि दुकान का मालिक हफ्ते में 3 बार आके गया और वार्निंग दिया, फ्राइडे तक पैसा चुकता नहीं किया तो खाली करवा देगा। ठीक है, कुलबीर अगर तुम्हें कॉन्टैक्ट करता तो सबसे पहले तुम हमें कॉन्टैक्ट करोगे, समझे? जी सर। अनुज, 20 लाख का कर्जा था, 70 लाख के गहने लेकर क्यों भाग गया? 35 लाख तो उसके हिस्से से ऐसे ही मिलने वाले थे उसे। सर, माँ का घर, जायदाद, बाकी सब तो बहन के नाम हो गया था, सोचा हुआ कि जो जेवर मिले वो क्यों लौटा दे। लेकिन गहने लेकर फरार होने से कुलबीर का काम नहीं होने वाला है, क्या बात कुछ और है जो हमसे छूट रही है। हाँ, पवन तो यहाँ काम करता है ना सर, पर सब यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं,
देखिए सर, मैंने बबलू को फोन किया था। वो क्या है ना, ये लोग प्लास्टिक का माल बेचते हैं, तो माल इनके पास होता है। अब जब ये काम नहीं करने वाला है तो कंपनी का माल वापस दे देंगे। सुनो। जी साहब। तुम इसी फैक्ट्री में काम करते हो? जी साहब, यही काम करता हूँ। पवन को जानते हो? जी साहब, जानता हूँ। किधर है वो? साहब अभी तो मैं बता नहीं पाऊंगा कहाँ है वो। उसका यहाँ किसी से झगड़ा? ऐसा तो मुझे कुछ मालूम नहीं साहब। वो क्या है, वो डेली बेसिस पे काम करता है और मैं भी डेली बेस पे ही काम करता हूँ। वैसे मैं प्राइवेट फैक्ट्री में परमानेंट जॉब करता हूँ साहब। वो क्या है, मेरी पत्नी बीमार है, इसके लिए मैं ओवर टाइम के लिए आ जाता हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। सर मनोज, यहाँ के लोगों के हाव भाव से तो पता चलता है कि पवन से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन कॉल रिकॉर्ड बता रहा है कि पवन इन लोगों के टच में है। क्या बोले, कुछ पता चला? नहीं, उन्होंने कहा जैसे कुछ पता चलेगा तो वो हमें फोन करेंगे। माँ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो। खा लो, नी वाला गले से नीचे नहीं उतरेगा। पता नहीं मेरा बच्चा किस साल में है। हेलो, कब से पढ़ा रही है यहाँ? मालूम नहीं साहब, मैं ऐसे जा रहा था, बहुत सारे कुत्ते भोंक रहे थे, आके देखा तो लाश है। जा तुम्हें निगाह तरफ। चला चला, बॉडी चेक कर। सर, चेहरा तो बुरी तरह कुचल दिया है। कातिल नहीं चाहता था कि इसकी शिनाख्त हो जाए। सर, ये मिला है। किसी चीज की रसीद लगती है, इसमें नाम और एड्रेस भी है। इसे लैब भेज दो। ओके सर। और कुछ मिला? नहीं सर, और कुछ नहीं। ठीक है, एम्बुलेंस को फोन कर। ओके सर। तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, ये लो। अपने धंधे में ईमानदारी बहुत जरूरी है और ईमानदारी का फल भी तो मिलेगा। जितना ज्यादा काम, जितनी ज्यादा ईमानदारी, उतना ज्यादा पैसा। सर, बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक मौत सर पे किसी भारी चीज पे वार करने की वजह से हुई। हो सकता है कोई पत्थर हो और फिर उसी चीज से उसका चेहरा भी बिगाड़ा गया। और क्या लिखा है इसमें? सर, बॉडी पे जो स्लिप मिली थी उसकी लैब रिपोर्ट है। ये स्लिप SSB के बैंक के लॉकर की स्लिप है और इस पर एक लॉकर नंबर भी है। हैरानी की बात यह है कि ये लॉकर ज्योति राणा के नाम पर है। इसका मतलब वो डेड बॉडी कुलबीर राणा की है, जो ज्वेलरी लेकर फरार होने के बाद शायद किसी ने उसको मारा है। उसके फैमिली को शिनाख्त के लिए बुला लो। सर, कर सकते हैं? सर, चेहरा तो बुरी तरह से कुचला हुआ है। हाथ या पैर देख के बता सकते हैं? सर, हाथ और कदकाठ ही देखकर तो ये कुलबीर ही लग रहा है। ठीक है, आप रुकिए बाहर। ठीक है सर। अनुज, रिस्क नहीं लेते। इस बॉडी का DNA इसकी बहन उषा के साथ मैच करवाते हैं और इसकी फोटो हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और बॉडी को यही रहने दो। सर, लाश के मिलने के बाद कई सवाल खड़े हो गए थे। क्या ये कुलबीर था? अगर था तो कुलबीर को किसने मारा, क्यों मारा, शक्ल क्यों बिगाड़ दी? इस हैवानियत के पीछे किसी का क्या मकसद हो सकता है? पुलिस के लिए अब चुनौतियां बढ़ने लगी थी। साहब, मैंने नहीं चुराया। क्या हुआ साहब?
मेरा नाम सुधाकर है और गणेश मंदिर के पास मेरे कपड़े का होलसेल व्यापार है। ये श्याम है, मेरे पास काम करता है। मैंने किसी पार्टी को देने के लिए इसे 20 लाख रुपए दिए थे और अब खाली हाथ वापस आकर कहता है कि इसे लूट लिए। सब ये झूठ बोल रहा है। शांत हो जाओ। क्या हुआ रे? साहब मैंने कुछ नहीं चुराया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। इतनी भीड़ थी साहब, पहले पीछे से धक्का लगा, फिर आगे से धक्का लगा, कोई पीछे लेके गया, फिर कोई आगे लेके गया साहब। मेरे हाथ में बैग था साहब, पता नहीं बैग भी कहाँ चला गया। मुझे कुछ नहीं पता साहब। साहब ये झूठ बोला था। हम लोग आए ना, कहाँ हुआ ये सब? सर उस मार्केट एरिया का सीसीटीवी फुटेज। सब वो देखिए। अरे सर बैग गया कहाँ? ये तो सिर्फ जादू है। अरे सर प्ले करो। सब वो हमारा बिटवा पवन को पता चला। तुलसी जी अभी तक तो पवन का कुछ पता नहीं चला। पता नहीं किस साल में होगा, कितने दिन हो गए, कुछ खबर नहीं है वो कहाँ है कैसा। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती है कि ये पवन की फोटोग्राफ है? मारा, बचपन में बहुत जिद करके बुलवाया था। कहाँ है अपना बेटा? कहाँ है? कहाँ हो गया? इसकी डेड बॉडी कुछ दिनों पहले गोरेगांव पुलिस ने रिकवर की थी। माँ, माँ! पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे ही आती है मुझे इन्फॉर्म कर देना। सब सब मेरा बेटा, उसको कौन मारे? सब बता दो आप उसके। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप। जी जी सब सब मेरे पवन को कौन मारा होगा? वो तो बड़ा ही शरीफ है, यह काम करने आया था। थोड़े पैसे जमा हो जाए तो हमको यहाँ बुला लेने वाला था। सब सब आके हाथ जोड़ दिया, आप ढूंढो उसको किससे मारा। देखिए पवन के जेब में हमें एक लॉकर की रिसीट मिली है और उस लॉकर में 70 लाख के गहने थे और वो गहने गायब है। हमें लगता है कि आपका बेटा इस शहर में बड़ा बनने के चक्कर में कुछ गलत काम कर रहा था। नहीं सर, हमारा पवन ऐसा काम नहीं करेगा। वो बड़ा ईमानदार है, चोरी चकारी नहीं कर सकता। सब सब जरूर उसको किसी ने फंसाया होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। ये पवन मुंबई में नौकरी करने आया था, नौकरी तो उसे मिल गई पर शायद वो खुश नहीं था और इसीलिए उसने चोरी की। हो सकता है, अनुज दो पॉसिबिलिटीज बनती है। ये कुलबीर सच बोल रहा है कि वाकई पवन और उसके साथियों ने ज्वेलरी उससे लूटी है, फिर पवन का अपने साथियों के साथ झगड़ा हो गया और उन्होंने पवन को मार डाला। सेकंड, शायद कुलबीर ने ही पवन को मारा है और ज्वेलरी लेकर भाग गया है, लेकिन गया कहां? बैंक के सामने तो चोरी हुई नहीं। जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक ही आदमी हमें बता सकता है और वो है कुलबीर। पर इस कुलबीर का कुछ पता नहीं चलता, उसका फोन गाड़ी में मिलता पर कॉल रिकॉर्ड में कुछ सस्पिशियस नहीं मिलता। अगर ये कुलबीर ने किया ना तो बड़ी प्लानिंग के साथ किया है। इस कुलबीर की फोटो हर जगह पे सर्कुलेट कर दो, ये मुंबई छोड़कर भागना नहीं चाहिए। मुझे कैसे भी करके ये कुलबीर चाहिए। जी सर। हेलो सर, पवन मिश्रा केस की सारी डिटेल्स इस फाइल पे। हम लोग कुलबीर राणा की मिसिंग कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और ये कुलबीर राणा के माँ के बैंक लॉकर की रिसीट पवन मिश्रा के जेब में मिलना हमारे लिए बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। अब हम लोग इसी के आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। राइट सर, इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प यू आर एट योर सर्विस। थैंक यू वेरी मच। श्योर।
तुलसी मिश्रा को उसका बेटा मिल के भी नहीं मिला। पवन मिश्रा की गुमशुदगी की फाइल फिलहाल क्लोज तो हो गई, पर उसकी बहरहमी से की गई हत्या, जेब में लाखों रुपए के लापता गहनों की रिसीट और इन गहनों से जुड़े व्यक्ति कुलबीर राणा की गुमशुदगी ने पवन मिश्रा की गोरेगांव और बोरीवली थानों में कई एक नई फाइलें खोल दी। इधर गोरेगांव पुलिस एक विचित्र आपराधिक चुनौती से जूझ रही थी। ये सब हुआ कहाँ था? सर, मैं एटीएम से पैसा लेकर ही आ रही थी इसी फुट ओवर ब्रिज से, अचानक पता नहीं कैसे मेरा पर्स कौन लेके छीन के भाग गया, कुछ पता ही नहीं चला सर। सर, इस फुटेज में भी कुछ नहीं है। क्या हुआ सर, क्या सोच रहे हैं? अनुसले में याद एक क्रिमिनल था, नजीर मामू। साहब, नजीर मामू का एनकाउंटर तो आप लोग ने कर दिया था, अपुट ने तो खबर दिया था उसका, इसीलिए तो तुझे बुलाया। वही खेल वापस शुरू हो गया यहाँ गोरेगांव में, वो जादू गैंग वाला खेल। बराबर, अब तक 3-4 वारदातें हो चुकी है, किसी का पैसा गायब है, किसी की ज्वेलरी गायब है। अभी ये अपना मामू जो है ना, नजीर मामू, ये ऊपर से आके थोड़ी काम बजा सकता है, इसका ना जरूर कोई ना कोई फंटेरी काम बजा रहा लगेगा। वही तो जानना है, नजीर के तो पूरे गैंग को हमने अंदर किया था, फिर उसका कौन सा शागिर्द बाहर रह गया था। ये लोग नजीर के स्टाइल में काम कर रहे हैं, 5-6 लोगों का गैंग है, कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता चल रहा है। बोल, कौन है ये? मावा, मस्तान मावा साहब। है तो साहब वो नजीर मामू का फंटर, लेकिन पुलिस के हाथ लगाने साहब वो बहुत बच के निकल गया साहब। ये मस्तान मामा मिलेगा कहां? अरे साहब, अभी क्या लेने को इधर? तेरे को लेने आया हूं। चलेगा? ले चलो ना साहब, ले चलो। मेरे को पैरों से पैरालाइज हो गया हूं, इलाज के लिए पैसा भी नहीं मेरे पास। इलाज के लिए तेरे पास पैसे नहीं है, और ये इतना सब कुछ ऐसे ही बन गया? साहब, ये सब तो दिखावा है, अंदर से एकदम खोखला हूं। कब से तेरी हालत? 3 साल हो गए साहब, दवाई ज्यादा, खाना कम खा रहा, बेकार हो गया हूँ साहब। ठीक है, इसकी फिजिकल हालत देखकर लगता नहीं कि ये इन्वॉल्व होगा, लेकिन क्राइम करने का तरीका वैसा ही है। जी सर, इसकी मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल सेम है, लेकिन ये लोग है कौन? हमने बड़े सारे सीसीटीवी फुटेज चेक किए। अनुज, एक काम करते हैं, एक बार ये सारे सीसीटीवी फुटेज एक साथ चला कर देखते, कोई ना कोई चीज तो कॉमन जरूर निकलेगी। प्ले करो। स्टॉप, वो ऑन करो। स्टॉप, ये प्ले करो। स्टॉप। अनुज, ये और ये चारों तीनों फुटेज में कंधे पर बैग है सेम, लेकिन इनके चेहरे तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। क्योंकि इन्हें पता है कि ये सीसीटीवी के सामने, इसलिए जानबूझकर चेहरा छुपा है। इनके कंधों पर देखो, एक ही बैग। जो सीसीटीवी कुलबीर का हमने देखा, वहां ये नहीं हुआ, शायद आगे उसके साथ भी यही हादसा हुआ होगा। सर, मतलब एक प्रॉपर गिरोह है जो पूरी प्लानिंग के साथ काम करे। करेक्ट। लेकिन सर, वो कुलदीप वाले इंसिडेंट से जुड़ा आदमी पवन मिश्रा, जिसके जेब में वो लॉकर की रिसीट मिली थी, हो सकता है वो भी इसी गैंग का मेंबर हो, लेकिन अब वो तो मर चुका। बोरीवली पुलिस ने उसके एक दोस्त के बारे में हमें बताया था, वो ऑटो ड्राइवर बबलू। लेकिन सर, कोई पवन को क्यों मारेगा? हो सकता है कि लूट के माल को लेकर इन लोगों में झगड़ा हुआ हो और पवन को मार दिया हो। इस बबलू ड्राइवर को उठाकर लेकर आओ, अब आगे की बात ये बबलू ही बताएगा हमें। सर, मैं नहीं जानता पवन भाई को सब, मैं नहीं जानता, बेरोजगार था, मैंने काम दिला दिया उसको, एक दो बार फोन पे बात कर लिया उससे, बस वो अच्छा आदमी था, उतना ही साहब, बस उतना ही, अपन ऑटो वाला आदमी है साहब, कहाँ। दिन भर ऑटो चला चला के थकता होगा ना तू? हाँ सर, मैं थक जाता। थोड़ा आराम कर ले तू,
अनुज इसका क्या कर रहे हैं ना, वो मुझे बाद में बताता हूँ। साहब मेरी बात सुनो साहब, मैं बोल रहा हूँ साहब, आप सुनो तो सही साहब, मेरा लेन देन नहीं है आप साहब। इसको क्या रोक के रखा है? साहब ने कहा है रात को एनकाउंटर करके ठिकाने लगाएंगे इसको, यहाँ पर रहेगा तो मुफ्त की रोटी तोड़ेगा सरकार की। साहब 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 साहब, मैं बोलने के लिए राजी हूँ साहब, मैं सब बोल रहा हूँ, मेरे को याद आ गया, आप साहब को बोल दो जाकर। अरे साहब मेरे से गलती हो गई साहब, बोल दो ना साहब। चल बोल। जो चाहिए एक बार लिस्ट बना लो, शादी के रोज मत कहना ये रह गया वो रह गया, ये चाहिए वो चाहिए, समझ आ रहा है? हाँ मम्मी बस हो गया। तुम्हें कुछ भी एक्सपेंसिव चाहिए मुझे बताना, मम्मी को नहीं। ओके, टॉप सीक्रेट। यस, चलो चलता हूँ मैं। बाय। सुनिए। हाँ। चाय मैं आके पी लूंगा। अच्छा सुनिए, हाँ। नरेश भाई ज्वेलर्स के जाना है शाम को 6 बजे। 6 बजे आ जाऊंगा मैं, याद रहेगा। अरे माय डियर वाइफ, पक्का आ जाऊंगा टाइम पे। बाय। पक्का 6 बजे ले मत होइएगा। बाय। से गद्दारी करेगा, देख तेरी हालत क्या करता हूँ। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। 6 बजे की खबर मिली थी, चाचा ने रवाना भी कर दिया था। अपनी क्या गलती, धुरा वहाँ पर। कितनी बार बोला था आपको कि 6 बजे तक आ जाइएगा, 5 बजे से मैं और मेरी बेटी तैयार होकर बैठे हैं। अरे यार एक मीटिंग आ गई। तुम्हारी मीटिंग इम्पोर्टेंट है, कल चलेंगे पक्का। मेरा मतलब से पार्टी पहुंची नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप बोलो ना, मेरा फोन बज रहा है। मेरा फोन बज रहा है, फोन बज रहा है, उठा उठा। अंकल फोन कर रहा था। हाँ जी अंकल। सुन, कल शाम को धूर लेट हो गया था, अब तू जल्दी निकल और पोल पे पहुंच। धूर पहुंच रहा है, बाकी के लोग भी पहुंचते होंगे, जल्दी निकल। हाँ जी अंकल। अरे क्या हुआ? अरे तो पिछले 8 महीने से जादू का खेल दिखा रहे थे, बॉस कौन है तुम्हारा? सर वो तो चेंबर वाले ऑफिस में नहीं, वहां पर ताला लगा हुआ है सर, वो निकल लिया फिर। फोन आया था साहब उसका, बोल रहा था कि मार्केट में मिलेगा। सर ये सभी चोरियां कबूल है इन लोगों ने, इसमें कुलवीर श्यामलाल और मलाड की मिसेज नारंग का भी केस, इसके अलावा और 6 केसेस हैं, 3 सेंटाक्रूज, 1 विले पार्ले, 1 कटकोपर। और वो गणेश मंदिर वाला व्यापारी जिसके वर्कर के हाथ से वो 20 लाख रुपए से भरा बैग भी छीना गया था।
पिछले 8 महीने में जादू के बहुत शो दिखाए तुम लोगों ने। एक बात बताओ, कुलवीर को क्यों मारा? कुलवीर को क्यों मारा? सर हम उसे क्यों मारेंगे? हमने तो बैंक के बाहर उसका सामान हड़प लिया और चुपचाप वहां से चंपा हो गए सर। अरे ए भाई साहब, सॉरी सर, क्या कर रहे हो यार? अरे मेरा बैग, अरे मेरा बैग कहाँ गया? पवन मिश्रा को क्यों मारा? सर सर मुझे जाने दीजिए, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, साइन हॉस्पिटल में। सर बता मुझे, तेरी बीवी साइन हॉस्पिटल में एडमिट है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, 15 लाख रुपए खर्चा है। विशाल जी, ऑर्गन केमिकल्स में जूनियर अकाउंटेंट की नौकरी करते, 20,000 रुपये तनख्वाह है तुम्हारी, तो बीवी के इलाज के लिए 15 लाख रुपये कहाँ से आएगा तुम्हारे पास? यही तुम्हारा पार्ट टाइम बिजनेस है। और हाँ, सिर्फ सच बताता हूँ सर, सब सच बताता हूँ सर। बैंक के बाहर से जो हमने बैग लूटा था उसमें जो जेवर थे वो सब पवन के पास थे। सर मैं पवन के पीछे गया और मैंने उसको बोला कि इसमें कुछ जेवर मुझे दे दे। सर वो हरीश चंद्र की औलाद बन रहा था, बोला कि अंकल से धोखा नहीं करेगा। जिससे तुम्हें ये जादू का खेल सिखाया था गुरु को नहीं, ये धूर चल रहा है, फोकस रखो उसके ऊपर, बैग ऊपर आई, धूर को धक्का दिया, धूर ने इधर देखा, उतने में बैग खींच लेना, जैसे ही बैग खींची जाएगी धूर उधर देखेगा, किसने खींचा, ये बैग उसके बीच में रहेगी, उसको कुछ नहीं दिखाई देगा। बैग ऊपर, चलो बैग ऊपर, बैग ऊपर, ये धक्का दिया, क्या हुआ सर, क्या हुआ? बैग मेरा, वो आदमी तो नहीं है सर, वो अंकल है हमारे। मैं चाहता हूँ पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। जिधर भी जाओगे मास्टर को भूलना नहीं, पेमेंट टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि ये जादू का खेल मैंने सिखाया तुमको। चलता हूँ। तेरा ये जादू हमने भी सीख लिया है, गुरु दक्षिणा नहीं लेगा हमसे, तू ले चलो इसे। ये चोरी का केस तो सॉल्व हो गया, लेकिन कुलवीर की मौत अब भी पहले बनी हुई। नहीं अनुज, ये पहले भी सुलझ जाएगी। ओके, अब तक कुलवीर के बारे में हमें सिर्फ एक आदमी इंफॉर्मेशन दे रहा है, कुलवीर का फोन हमें गाड़ी में मिलता है, और ये पवन मिश्रा जिसकी लाश की शिनाख्त होना नामुमकिन था, उसे ये आदमी कुलबीर साबित करने पर तुला हुआ। बता कुलबीर कहाँ है? तूने ही उसे कहीं छुपा कर रखा होगा, बता। सर जी आप क्या कह रहे हैं? सच बता, कुलबीर को क्यों मारा तूने? सर आप क्या कह रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू ऐसे नहीं मुंह खोलेगा। अनुज जादव शुरू हो जाओ। सर सर बता रहा हूँ, सर मैं वो जब बैंक के बाहर खड़ा था तो कुलबीर ने आकर मुझे चोरी की बात बताई। अरे मैं लूट गया, किसी ने बैग छीन लिया मेरे हाथ से। सर मुझे कुलबीर की नियत में खोट नजर आ गया था, मैं उसे अपने घर ले गया, वहाँ उस पर दबाव बनाया, पर वो चोरी की बात पर डटा रहा। दीदी समझाओ ना जीजाजी को, अरे मेरे पास नहीं है कोई बैग। साले साफ साफ क्यों नहीं कहता कि तेरी नियत खराब हो गई है? अम्मा जी ने घर हमारे नाम कर दिया तो सारा माल तू अकेले हड़पना चाहता है। चल बता कहाँ छुपा के रखे जेवर, निकाल नहीं तो मैं तेरे पास नहीं है। उसकी लाश कहाँ है? मैं और मेरी बीवी ने मिलकर घर के आंगन में पीछे उसे दफन कर दी। बेवकूफ इंसान, ज्वेलरी वाकई में चोरी हुई थी, कुलवीर पैसों के पीछे भाग रहा था, वो उसकी मजबूरी थी, लेकिन तुम लोगों ने लालच में आके एक मासूम आदमी को मारा है, इसके बीवी को भी उठा कर लेकर आना। लालच वो बीमारी है जो लालची को तबाह तो करती ही है, पर कभी कभी अपनी चपेट में कुछ मासूमों को भी ले डूबती है।
बदलते वक्त के साथ साथ अपराध भी बढ़ रहे हैं, उनका तरीका भी बदलता जा रहा है, इसलिए हमेशा सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।